कब तक छुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तो बोलना। कब तक छुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ हम बोले और ढोलना। सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी तरह का न्यू ट्रेंडिंग लिरिकल स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी अपनी फोटोज लगाकर कुछ इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो बनाना चाहते हो, जो अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग के प्रीव्यू में देखा है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सो गाइज, कुछ इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। गाइज, अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है, तो इसको आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया है, तो मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहां पर आपको करना है क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीटमार प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, इसको क्लिक करके कोई भी ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेना है। ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन में, जैसे ही इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे लिंक पे, उसके बाद में इंपोर्ट की ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारे टैम्पलेट मटेरियल्स, बीटमार प्रोजेक्ट, एक्सएमएल फॉन्ट या कुछ भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है या इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो गाइस मैंने उसके ऊपर में एक अलग से वीडियो बनाया कि मेरे मटेरियल्स को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप जरूर एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, तो गाइस यहां पर फाइनली कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अभी देख सकते हो गाइस, यहां पर आपको लिरिक्स भी लिखना होगा और साथ में फोटोज भी ऐड करना होगा। ओके, तो यहां तक गाइस आपको अपने लिरिक्स को लिखना होगा, देख सकते हो 20.17 सेकंड तक। ठीक है, तो यहां उधर जो है गाइस आपको अपनी फोटोज को ऐड करना होगा। ओके, तो चलो यहां पर लिरिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, प्लस पर क्लिक कर लेना है, यहां पर कोई भी एक शेप को सिलेक्ट कर लेना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लेना है इसको। अभी कलर आप बिल्कुल ऐसे रहने देना जैसे हैं। पहले गाइज यहाँ तक आ जाएंगे जहाँ तक हमने बताया था अपनी लिरिक्स को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाते हैं गाइज, बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को इधर से ट्रिम कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी पर क्लिक करना है गाइज, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, फिर से आपको इसी पर क्लिक कर लेना है कलर एंड फिल की ऑप्शन में, और इस ग्रेडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस बीच में जो ये ऑप्शन दिख रहा है इसको भी क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसको आपको कुछ इस तरह से नीचे खींच के लाना है, और जो ब्लैक दिख रहा है इसको बीच में कर देना है, और जो ब्लैक कलर है गाइस यहां पर जो दिख रहा है इसको क्लिक करके आपको यहां पर व्हाइट कलर कर लेना है, जो व्हाइट कलर दिख रहा है इसको क्लिक करके आपको इस वाले कलर को ऐड कर लेना है। ठीक है, आज यहाँ पर आप जो भी कलर ऐड करना चाहते हो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर मैं यही कलर ऐड करूंगा, और जितना भी आप डार्क करना चाहते हो अपने हिसाब से गाइस इसको ऊपर ले जाकर डार्क कर सकते हो, नीचे ले जाकर थोड़ा सा लाइट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतना करके डन कर दूंगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी सॉन्ग को लिरिक्स को लिखना होगा, तो जैसे सॉन्ग प्ले होगा वैसे वैसे गाइस आपको लिरिक्स को लिख लेना होगा। ओके, मैंने इस सॉन्ग की जो लिरिक्स है गाइस पहले नोट पैड पर लिख कर रखा हुआ है, तो मैं बैक होकर यहाँ पे नोट पैड पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से ये सॉन्ग की लिरिक्स है। ठीक है, ये जो ऊपर में जो गाइस इतना है ना, इसी को आपको दोबारा लिखना है। ठीक है, दो बार गाइस यही टैक्स है, तो यहाँ पर मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। गाइज यहाँ पर आपको करना है क्या, वीडियो को पॉज करके लिरिक्स को लिख लेना, नहीं तो गाइज गूगल में जाकर सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा इस सॉन्ग के ऊपर में, तो आपको भी जाकर वेबसाइट को ओपन कर लेना और वहाँ से लिरिक्स को कॉपी कर लेना। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर सिंपली हम कॉपी करके यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, अब लिरिक्स को लिखेंगे। हर एक बार आपको तीन तीन वर्ड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन वर्ड यहाँ, तीन वर्ड वहाँ, उसके बाद तीन वर्ड यहाँ, तीन वर्ड यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट की ऑप्शन में क्लिक करके लिरिक्स को पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर सिंपली तीन वर्ड हमने लिरिक्स को क्या करना है, लिख देना है, यानी कि कॉपी कर लेना है, जो भी कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और स्टार्टिंग का हर एक वर्ड गाइज यहाँ पे कैपिटल में होना चाहिए, जैसे सी जो देखते हो तो स्मॉल लेटर में है, तो इसको भी आपको क्लिक करके कैपिटल में कर देना है, थोड़ा सा इधर क्लिक करके स्पेस दे देना है। ठीक है, और ब्लैक कलर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ब्लैक कलर ऐड कर लेना, यानी कि कलर के ऑप्शन में क्लिक करके ब्लैक कलर ऐड कर लेना, रोबोटो रेगुलर के ऑप्शन में क्लिक करके गाइज यहाँ से इस वाले फॉन्ट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ATPT जगह जिसको क्लिक करके
बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा इधर भी क्लिक करके बढ़ा लेंगे। तो गाइज यहाँ पर अपने हिसाब से गाइज आपको बढ़ा लेना है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में फिक्स कर लेना है, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना है गाइज, यहाँ पर कुछ इस तरह से थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ और बीच में यहाँ पर फिक्स कर लेंगे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ऊपर हम इमोजी भी ऐड करेंगे। अब इस लिरिक्स की ड्यूरेशन भी आपको 20.17 सेकंड तक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट लिरिक्स को ट्रिम कर देंगे। फिर से गाइज यहाँ पर क्या करना है, प्लस पे क्लिक करके टैक्स की ऑप्शन में आ जाना है, कोई भी वर्ड यहाँ पर लिख लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर ए लिखूंगा। आपको यहाँ पर ए से लेके एफ या जितना भी वर्ड लिखोगे गाइज यहाँ पर कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। कलर जो है गाइज फिर से ब्लैक ऐड कर लेंगे और ऑटो रेगुलर के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से इस वाले फॉन्ट को हम ऐड कर लेंगे। सिंपली इसको क्लिक करके गाइज इंक्रीज कर लेना है, ठीक है, बढ़ा लेना। अब यहाँ पर ऊपर रख लेंगे, ठीक है, डन कर लेते हैं। डन करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में आके इसको नीचे ले आके फिक्स कर लूँगा, थोड़ा सा और जूम कर लूँगा गाइज, और ऐसे कर लेंगे। गाइज यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे मैंने ए लिखा है कैपिटल में तो सिंपली दूसरा आ गया, एच लिखोगे तो गाइज दूसरा आ जाएगा, जी लिखोगे तो दूसरा आ जाएगा, एस लिखोगे तो गाइज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ड है नहीं। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से गाइज जो भी वर्ड आपको चाहिए यहाँ पर ध्यान से लिख लिख के यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए लिख के डन कर देता हूँ। देन इसकी भी ड्यूरेशन को आपको वहीं तक कर देना है गाइज, ओके, देखो 17 सेकंड तक, ठीक है। बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट इधर से ट्रिम कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद में गाइस यहां पर फर्स्ट लिरिक्स हमने लिख दिया, जहां तक बीट होगा आ जाना, बीच में कट लगा लीजिएगा कुछ इस तरह से, इसमें भी कट लगा लेना। फिर से लिरिक्स पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में आ जाना है। अब दूसरी जो लिरिक्स रहेगी आपको यहां पर पेस्ट कर देना है, बाकी की लिरिक्स को हम फिर से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर से यहां पर स्टार्टिंग के वर्ड को आपको कैपिटल में कर देना, जैसे कि बी भी कैपिटल में नहीं है तो कैपिटल में कर देंगे, टी भी कैपिटल में नहीं है तो गाइस सिंपली इसको कैपिटल में कर देंगे और डन कर लेंगे, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफर में आके लिरिक्स को फिर से बीच में फिक्स कर लेना है, ए के ऑप्शन में आ जाना गाइज, यानी कि गाइज इमोजी वाले ऑप्शन में आ जाना है, और ए लिखा हुआ है तो अब यहां पर मैं बी लिख दूंगा, ठीक है। चाहे तो आप सी लिख सकते हो, चाहे तो आप डी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगता है गाइज यहाँ पे इमोजी आप ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे आके बीच में कट लगा लीजिएगा, नेक्स्ट लिरिक्स लिख लेना है। फिर से आगे आके बीच में कट लगा के दूसरी लिरिक्स लिख लेना है। फिर से गाइज आगे आके कट लगा के तीसरी लिरिक्स लिख लेना है। तो कुछ इस तरह से गाइज स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी लिरिक्स की टेक्स्ट को यहाँ पे वीडियो की एंड तक, जहाँ तक हमें लिरिक्स की जरूरत है 20 सेकंड तक लिख लेना होगा, ओके। गाइज यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा दिया है, कुछ इस तरह से आपको लिरिक्स को लिख लेना होगा, ठीक है। लिरिक्स को लिखने के बाद में गाइस अब इधर जो है आपको अपनी फोटोज को ऐड करना है। तो फोटोज को ऐड करने के लिए क्या करना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आ जाएंगे और सिंपली गाइस यहां पर मैं गैलरी में आ जाता हूं, ठीक है। और गैलरी से गाइस जिस भी मॉडल, जिस भी एक्ट्रेस या अपनी या जिसकी भी फोटोज ऐड करना चाहते हो गाइस, उनकी फोटोज़ को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक मॉडल्स की जो फोटो है, मैं इसी जो भी मैथडो की मैंने गाइस जो भी फोटोज़ यूज किया था अभी, उसी फोटोज़ को मैं यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से गाइस थोड़े से स्लाइड करते हैं, और ये बहुत ही बैकग्राउंड में है इसकी फाइल्स, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके जूम कर लेना कुछ इस तरह से फोटोज़ को, फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके फोटो को बीच में फिक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर से आगे की तरफ आके फोटो के एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आ जाएंगे, दूसरी फोटोज को ऐड कर लेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना, आगे आके फोटो को फिर एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा, फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है, नेक्स्ट फोटोज को ऐड करके थ्री डॉट पे आके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेना, फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके नेक्स्ट फोटोज को ऐड कर लेना है, थ्री डॉट पे आके फिल कंपोजिशन या पे कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना, मूवमेंट ट्रांसफर में आके थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके थोड़ा सा जूम कर लेंगे, फोटो को बीच में फिक्स कर लेना, फिर से आगे की एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेना। सो गाइस कुछ इस तरह से आपको पहले लिरिक्स को लिख लेना होगा, और लिरिक्स को लिखने के बाद में आपको कुछ इस तरह से मॉडल या एक्ट्रेस की जो फोटोज़ है यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, ओके। सो चलिए गाइस यहाँ पे बीट थोड़ी से ज़्यादा, तो पहले हम लिरिक्स की टेक्स्ट को अच्छे से लिख लेते हैं और यहाँ पे मॉडल्स की फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इफेक्ट वगैरह लिरिक्स में कैसे लगाना है। तो गाइस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने सभी लिरिक्स की टैक्स को अच्छे से लिख लिया है। देन गाइज इधर जितने भी फोटोज था गाइज यहाँ पर मैंने सभी फोटोज को भी अच्छे से फिक्स कर लिया है, ठीक है। सो गाइज कुछ इस तरह से आपको कर लेना है, लिरिक्स को लिख लेना है, फोटोज को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो प्रीसेट इफेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक बीटमार प्रोजेक्ट एक प्रीसेट, और दोनों का एक्सएमएल फाइल भी, ठीक है। तो हमने पहले बीटमार प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया था, तो वैसे ही गाइज आपको सिंपली प्रीसेट को भी इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने पहले से इंपोर्ट करके रख लिया था, तो सेम आपको
बीटमार प्रोजेक्ट की तरह ही गाइज इसको भी इंपोर्ट करके रख लेना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे प्रीसेट में आ जाऊंगा गाइज, ओके। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से लिरिक्स वाला मिल जाएगा, देन यहाँ पे दो फोटो वाला मिल जाएगा। तो पहले लिरिक्स वाले पे क्लिक कर लेंगे, इफेक्ट मैके 3 डॉट पे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, देन बैक होकर गाइज उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। अब जितने भी आपने लिरिक्स लिखा है इमोजी ऐड किया कुछ इस तरह से क्लिक करके पेस्ट कर लेना, गाइज यहाँ पर मैं आपको कुछ ही लिरिक्स में ऐड करके दिखाऊंगा, बस आपको वीडियो के एंड तक कुछ इस तरह से कर लेना होगा गाइज, ओके। नहीं तो यहाँ पर देखो तो एक एक गाइज अगर लिरिक्स में यहाँ पे इफेक्ट लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा गाइज वीडियो ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गाइज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर पेस्ट कर लीजिएगा, फिर क्लिक करके इफेक्ट में आकर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर देखते तो आपकी जो वीडियो है कुछ इस तरह से यहाँ पर प्ले होने लग जाएगा, ओके। गाइज इस लिरिक्स की जो कलर अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको करना क्या, किसी भी लिरिक्स पर क्लिक कर लेना है, इफेक्ट पे आ जाना, यहाँ पे देखो स्ट्रैप्स नाम का मिल जाएगा एक ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करके ग्रीन है तो यहाँ पर ये देखते हो तो इस कलर को ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर इसी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे भी स्ट्रैप मिल जाएगा, तो गाइज हम यहाँ पर रेड है तो इसको क्लिक करके यहाँ पर मैं सिंपली येलो कर दूंगा, ठीक है। तो देख सकते हो गाइज इसकी जो कलर है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, देख सकते हो नीचे में जो लिरिक्स है कलर चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से गाइज यहाँ पर आप अपनी लिरिक्स की टेक्स्ट को गाइज यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से बैक हो किसी प्रीसेट में आ जाएंगे, जब लिरिक्स पे आप इफेक्ट लगा लोगे उसके बाद में ये वाला इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो ये वाला, ठीक है। इफेक्ट गाइज यहां पर इसको क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, बैक होकर गाइज उसी प्रोजेक्ट में दोबारा आ जाएंगे जिसमें हम अपना एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइज यहां पर ध्यान से देखना, देखो गाइज इसमें आपको ने इस फोटोज में ने दो तरह की बीट मिलेगी, एक तो एकदम डीजे की जो बेस जैसी बजती है वैसी बीट मिलेगी, और दूसरी गाइज थोड़ी सी खटखट जो एक ट्यून आती है गाइज उस तरह से बजेगा, ठीक है। तो देखो जहां पर डीजे वाली बेस आता है ना यहां पर आपको ये वाला इफेक्ट को लगाना है, ठीक है। तो क्लिक कर लेता हूं, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आकर पेस्ट कर लेंगे, देखो गाइज ये वाला इफेक्ट लगाना है जहां डीजे की बेस जैसी ट्यून आएगा, ठीक है। फिर एक फोटो को छोड़ के यहां पे क्लिक कर लूंगा, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। फिर से गाइज यहां पे क्लिक कर लेंगे, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लूंगा, फिर से इसी फोटो पे, फिर से एक फोटो को छोड़ के फिर से गाइज इस फोटो को क्लिक कर लूंगा, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लूंगा, फिर से गाइज इस फोटो को मैं छोड़ दूंगा, फिर से गाइज इस फोटो को क्लिक कर लूंगा, इफेक्ट में आकर पेस्ट कर लूंगा, फिर से गाइज यहाँ पे इस फोटो को भी क्लिक करके पेस्ट कर लूंगा। सो गाइज कुछ इस तरह से आपको वीडियो के एंड तक यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि डीजे की बेस बज रही है, डीजे जैसे ट्यून आ रही है म्यूजिक में, तो आपको सिंपली कुछ इस तरह से गाइज अपनी फोटोज वगैरह पे इफेक्ट को गाइज लगा लेना होगा, ओके। गाइज मैंने यहाँ पर अपनी माइक लगा रखा है इसलिए मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर इफेक्ट लगेगा, तो सिंपली गाइज आपको अपने हिसाब से यहाँ पे इफेक्ट वगैरह गाइज लगा लेना होगा, ओके। जब इस इफेक्ट को लगा लोगे उसके बाद में बैक होके गाइज फिर से इसी प्रीसेट में आ जाएंगे। अब लास्ट में जो प्रीसेट है इसको क्लिक कर लीजिएगा, इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स, फिर से आपको बैक होकर उसी प्रोजेक्ट में आ जाना है। अब जितने भी फोटोज आपने छोड़ दिया जिस पे इफेक्ट नहीं लगाया है उस पे अब आपको क्लिक कर लेना है, जैसे कि गाइज मुझे पता था कि इस कुछ फोटोज में मुझे पता था कि नहीं लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। इसको क्लिक कर लेंगे, मूव एंड ट्रांसफर में आके गाइज इसको बीच में लाके फिक्स कर लेना, थोड़ा आगे जाओगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से अगली फोटोज में हमने लगा रखा है इसमें भी लगा रखा होगा गाइज, इसको नहीं लगाए तो क्लिक कर लेंगे, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेंगे, बैक होकर मूव एंड ट्रांसफर में आकर थोड़े से आगे आ जाना, इसको गाइज बीच में फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से गाइज इसमें हमने नहीं लगाए तो क्लिक कर लेंगे, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेंगे। सो गाइज बैक होकर मूव एंड ट्रांसफर में आके बीच में फिक्स कर लेना, थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके जूम आउट भी कर सकते हो, और कुछ इस तरह से गाइज आप अपने यहाँ पे फोटोज को फिक्स कर लेना। सो फाइनली गाइज यहाँ पर मैं आपको वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा दे, तो पहले मैं म्यूजिक को म्यूट कर देता हूं, ओके। तो उससे पहले गाइज फिर से आपको क्या करना है, प्लस पर क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ से गाइज सिंपली एक टैम्पलेट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो हम अपनी इस लिरिक्स पे लगाएंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर फाइनली इस टैम्पलेट को पहले हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, और इस टैम्पलेट को गाइज सिंपली हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं गाइज इसको, ठीक है। अब इसी टैम्पलेट पर क्लिक करके 3 डॉट पर आकर फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर लेना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर लाइटन में आकर स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल करके इसकी वैल्यूम को म्यूट कर देना है, ओके। बैक होकर गाइज यहाँ पर 20 सेकंड तक आ जाना जहाँ तक आपकी लिरिक्स रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट टेम्पलेट की ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस यहां पर मैं एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूं, देख सकते हो कुछ इस तरह से गाइस यहां पर आपकी लिरिक्स प्ले होते हुए दिख जाएगा, और लिरिक्स के बाद में गाइस इधर जितने भी आपने यहां पे बीट मार्क जो फोटोज लगा रखा होगा गाइस, इधर जितने भी फोटोज आपने ऐड किया था, तो यहां पर गाइस आपकी फोटोज कुछ इस तरह से यहां पे प्ले होते हुए दिख जाएगा गाइस, ओके। सो आई होप गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। अगर आपको यहां पे यानी पता नहीं गाइस आज क्या बोल रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है गाइज, और क्लिक करके एक्सपोर्ट करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।